न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूँ मेहरे बाजार में, और आज मैं एक बड़े इशू के ऊपर आपका दिमाग लेकर चल रहा हूँ। हम सब लोग पिछले लगभग एक साल से कोरोना महामारी के बीच में जी रहे हैं, और अब हमें जैसे एक आदत सी पड़ गई है इस बात को समझने की कि हाँ, कोरोना महामारी है और इसको हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और ऐसे में एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी हम सब लोगों की ये बनती है कि हम उसके प्रति कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, किस तरह से निभा सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जिस तरह से बहुत सारा लोगों की आसपास में मृत्यु भी हो रही है, पूरे देश में ये इस तरह का माहौल चल रहा है कि अब हम सब लोग कहीं ना कहीं इस बात से भी घबराने लगे हैं कि कहीं हमारे परिवार में, हमारे यहाँ पर किस तरह का कोई ऐसा चैलेंज ना आए। और डेफिनेटली हम सब लोगों को घबराना भी चाहिए, क्योंकि जब इस तरह की समस्या है तो डेफिनेटली हम लोगों को अपने आप को उस तरह से प्रिकॉशन रखते हुए बचाना भी चाहिए। आज मैं एक ऐसे मुद्दे की तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ जो ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में मैं इसको एक रियलिटी चेक के माध्यम से मैं करूँगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए तीन चार चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, मास्क का इस्तेमाल करना, ये तीन चीज़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर जनरली ये जहाँ पर मैं मार्केट में आज खड़ा हूँ, और मैं मार्केट में ग्राउंड चेक करना जा रहा हूँ आज के, क्या इन चीज़ों को लेकर लोग वाकई ही जागरूक हैं, क्या लोगों ने अभी तक इसको फॉलो किया है। क्योंकि हम सरकारों को लेकर तो रोज़ कोई ना कोई टिप्पणी कर रहे हैं, सरकार ये नहीं कर रही है, प्रशासन ये नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, वैसा नहीं कर रहा, क्योंकि हम सब लोगों की आदत होती है, हमें बहुत ईजी वे में जहाँ से मिलना शुरू हो जाता है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हम अपनी जिम्मेवारियाँ कितनी निभा रहे हैं उसको हम कैसे चेक करेंगे? क्योंकि देखिए, सरकार की अकेली जिम्मेवारी नहीं है। सरकार के पास जब तक जिम्मेवारी थी, जब तक ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग में नहीं था, आज जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो चुकी है, जिस तरह से हर घर में, हर गांव में कोई ना कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो गया है, तो ऐसे में कौन चेक करेगा, कौन तय करेगा कि हम लोग अपनी जिम्मेवारियों को कैसे निभा रहे हैं? इवन देन यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं, जो लोग यहाँ पर मार्केट में आते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये सब्जी की दुकानों पर यहाँ पर लोग आ रहे हैं, हाँ ये बात ज़रूर है कि अब लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कहीं ना कहीं इस बात की परवाह कर रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को निभाना है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग करना भी ज़रूरी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में बाकी चीज़ें जिनको लेकर हम बहुत ही ध्यान में रखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक दुकान की बात करता हूँ, ये सब्जी की दुकान है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कोई भी सामान उठाता है, जनरली किसी भी सामान को, मान लीजिए भाई साहब ने यहाँ गोभी उठाई, तो इन्होंने एक फूल नहीं उठाया, इन्होंने पहले दो तीन चार फूल उठाए हैं, तो दो तीन चार फूल उठाने के बाद में जो इन्होंने वहाँ रखा हो, इस बात की क्या एश्योरेंस है कि वो वहाँ पर वो संक्रमण किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं आया हो? मेरा यहाँ दूसरा सवाल ये भी है कि यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कोई स्प्रे कर देंगे और सब्जी के ऊपर सैनिटाइज कर देंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ों को लेकर लोग किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरह से लोग अपने आप को संभाल सकते हैं? मैं जनरली, भाई साहब खड़े हैं, भाई साहब एक मिनट आप आएंगे, ये देखिए उन्होंने गोभी उठाई, भाई साहब आज मार्केट में आप आए हैं सामान लेने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात सरकार ने की है, आप बिल्कुल अच्छी तरह से मानते होंगे इस बात को, मास्क भी आपने लगाया हुआ है, एक हैंड सैनिटाइजर नाम का एक चीज़ है हमारे मार्केट में, क्या वो आपके पास अभी अवेलेबल है? अभी नहीं है सर, घर में है। ये देखिए सर, दिस इज द मेजर पार्ट। हैंड सैनिटाइजर क्यों जरूरी है पहले आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए आप किसी सब्जी पे हाथ लगाते हैं, अगर आपने हैंड सैनिटाइजर नहीं किया है तो अगर आपके संक्रमण वहाँ चले जाएँ, किसी दूसरे व्यक्ति के लगे हुए हैं, अगर मान लो आपने गोभी यहाँ से उठाई, आपने ये सब्जी उठाई, आपने दुकानदार को दे दी, तो उसके बाद में आप अपने हाथ सैनिटाइज कैसे करेंगे? एक सवाल यहाँ पर आया, मैं अभी दो तीन लोग और लेकर चलूँगा। भाई साहब आप यहाँ पर मार्केट में आए हैं, आपका मास्क क्यों नहीं लगाया आपने पहले? हाँ जी, मजाक समझ के रखा आपने क्या? नहीं नहीं। फिर हैंड सैनिटाइज कहाँ आपका? कोई नहीं। हैंड सैनिटाइजर इनके पास, मैं देखिए ग्राउंड चेक करूंगा। हाँ जी, हैंड सैनिटाइजर आपके पास है? नहीं। हैंड सैनिटाइजर कोई नहीं। अभी मैं तीन लोग बोल रहा हूँ, मैडम आपके पास हैंड सैनिटाइजर है क्या? नहीं है। अच्छा, हैंड सैनिटाइजर किसी के पास है आप में से? कहाँ निकाल दिखाइए। ये देखिए जी, ये दुकानदार भाई साहब, इन्होंने तो रखा हुआ है। हाँ जी भाई साहब, हैंड सैनिटाइजर। अच्छा, जब आपके पास कोई सब्जी लेने आता है, सब्जी यहाँ से मान लीजिए उसने उठाई, आपके पास दे दी, उसने ऐसे तो है नहीं किया कि भाई एक टिंडा उठा लिया हो, उसने 10 पे हाथ लगाया हो, तो कैसे जस्टिफाइड करते हैं कि वो आदमी जो रखे जा रहा है? हम तोलते हैं ना जी, एक सब्जी तोलेंगे उसके बाद हाथ को आप कर लेंगे, दुकानदार जो है वो इस बात को मान रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी की क्या जिम्मेवारी है? जो एक आम आदमी सरकार को दोष दे रहा है, सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, पिछले एक साल से पूरी दुनिया में हल्ला मचा मचा के बता दिया
कि भाई साहब हैंड सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए, अगर आप कहीं भी जाते हैं उस हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप करेंगे, अगर आपने सब्जी उठा के दी है तो उसके बाद आप अपने हाथ सैनिटाइज करें, दो बार करें, तीन बार करें, क्योंकि संक्रमण तो कहीं भी जा सकता है। ये है कम्युनिटी स्प्रेडिंग का सबसे बड़ा जो तरीका है। मैं आपको लेकर चलूँगा, यहाँ पर और भी लोग खड़े हैं। भाई साहब देखो, आप मार्केट में आए हैं, आप भी मार्केट में कोई ना कोई सामान लेने आए होंगे, किस लिए आए थे आप? हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये देखिए अंकल जी हमारे बीच में आ रहे हैं। अंकल जी नमस्कार। अभी जैसे आप देख रहे हैं कोरोना महामारी का समय बड़े तेजी से चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर, तीन चीजों पर सरकार जोर दे रही है। अभी आप मार्केट में आए हैं, मुझे आप बताएंगे आपका सैनिटाइजर कहाँ है? घर में रखा है। घर में रखा है, जबकि हैंड सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए। अच्छा। अगर आप मार्केट में कोई भी सामान लेने जाते हैं तो इमीडिएट आप हैंड सैनिटाइज करते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरा यहाँ पर जो सवाल है वो ये है आम आदमी से, लोगों से, कि देखिए हम केवल सरकार को, प्रशासन को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं। एक छोटा सा 30-40-50 रुपये का हैंड सैनिटाइजर अगर आप रखते हैं तो 10-15-20 दिन महीना आपका निकाल देता है। ऐसे में हैंड सैनिटाइजर की कितनी वैल्यू है, ये मैं इस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आपके बीच में रखना चाहता हूँ। और मैं लोगों को ये जागरूक करना चाहता हूँ कि हमें दोष देना बहुत आसान लगता है, लेकिन इस कम्युनिटी स्प्रेडिंग का अगर कोई जिम्मेवार है तो हम सब खुद हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रिकॉशंस ही नहीं रखी। हम लोग अभी भी प्रिकॉशंस नहीं रख रहे हैं, हम लोग इसको हल्के में लेकर चल रहे हैं। मैं आपके बीच में भी वाक्य बताना चाहूँगा, हालांकि मैं पैनिक करने का मेरा कोई विचार नहीं है, क्योंकि जीवन उत्साह न्यूज़ किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को पैनिक करने के लिए कभी कार्य नहीं करता है, जिससे कि लोगों के अंदर एक भ्रांति और लोगों के अंदर डर पैदा हो। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी दो दिन पहले एक लगभग 68 वर्षीय व्यक्ति की यहाँ पर मेरे रेस्ट हाउस के पास में मृत्यु होगी कोरोना महामारी की वजह से, और वो अपने घर में ही आइसोलेटेड थे। तो ऐसे में उनके आस पड़ोस का कोई भी व्यक्ति उस शव को उठाने के लिए नहीं आया, तो प्रधान जी का कॉल आया हमारे पास में कि इस तरह से आप आइए और इस खबर को आप रखिए, क्योंकि यहाँ पर ना तो प्रशासन है ना कोई है। तो हमने उनको कहा कि देखिए ऐसा है, ऐसे समय में जब इस तरह की डेथ किसी व्यक्ति की हुई है तो हम किसी व्यक्ति को केवल एक टिप्पणी करने के लिए खबर बनाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर इसका ज़रूरी ये हो सकता है कि हम अपनी टीम के साथ आते हैं और उस व्यक्ति का दाह संस्कार कर देते हैं। पर गनीमत ये रही कि हम जब तक वहाँ पहुँचे अपनी टीम के साथ में, तब तक विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी और उनके पीए और उनके बेटे ने वहाँ पर जो है वो कमान संभाल ली थी। तो उसके बाद में एसडीएम साहब भी आए यहाँ पर, बीएमओ साहब भी आए, तहसीलदार साहब भी आए, पटवारी साहब भी आए, सभी लोग आए और वहाँ पर हम सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर उनका दाह संस्कार कर दिया। मेरा एक मैसेज यहाँ पर हर उस व्यक्ति के लिए है जो आम आदमी अपने भाईचारे की बात करता है। साहब इस भाईचारे के लिए हम दिन रात दौड़ते हैं, इनके लिए दिन रात दर्द लेते हैं। हमारे घरों में शादियां होती हैं, ब्याह होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले इनको बुलाते हैं। भाईचारा किस काम आता है? और जो लोग इस बात से डर रहे हैं कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को जलाने से पता नहीं उनको कोरोना हो जाएगा, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप पूरी प्रिकॉशंस के साथ में पीपी किट्स पहनते हैं जो प्रशासन आपको देता है, अगर वो आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको कोरोना संक्रमण होने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि जब आप अपने मास्क उपयोग करेंगे, पीपी किट का प्रयोग पूरा करेंगे और बकायदा आपको बॉडी को सैनिटाइज कर देंगे तो किसी तरह से आपको डरने की जरूरत नहीं है। लाखों लोग इस देश में, दुनिया में चले गए हैं जिनका संक्रमण की वजह से मृत्यु हुई है, उन लोगों को किसी न किसी ने दाह संस्कार दिया है। तो मैं उन सभी लोगों को जिनका भाईचारा है, गाँव के लोग हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपके आसपास में कोई भी व्यक्ति की मृत्यु अकस्मात इस तरह से कोरोना महामारी की वजह से हो जाती है तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं और लोगों का साथ ना छोड़ें, क्योंकि भाईचारा इसीलिए होता है कि आप उनके आसपास, उनके समय के बीच में उनकी मदद करें। अगर ऐसे में अगर आप डर जाएंगे या घबरा जाएंगे तो ये और आपके लिए एक खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि आज उसके साथ ऐसा हुआ है, कल भगवान ना करे आपके घर में कभी ऐसी बात हो जाए तो लोग कैसे आएंगे। तो भाईचारे को ख़त्म मत करिए, ये महामारी आज नहीं तो कल चली जाएगी। अगर हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, सारी प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बात नहीं है कि इससे हम नहीं जीत पाएंगे। बहरहाल मैं आपको इस रियलिटी टेस्ट में इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ ज़रूर समझें, हैंड सैनिटाइज़र अपनी जेब में रखें और जहाँ पर भी वो जाते हैं अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लें, क्योंकि सैनिटाइज़ जब आप अपने हाथों को कर लेंगे तो आपको जो संक्रमण होने का खतरा है वो कम हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप किसी आर्टिकल्स पे ऊपर हाथ लगाते हैं, उसके बाद जब आप अपनी आंख, नाक, मुंह में हाथ लगा लेते हैं तभी कोरोना संक्रमण के चांसेस होते हैं। वैसे जनरली अगर आप सोचें कि हवा के अंदर आपको कोरोना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ चीज़ों में आपको ये पुष्टि की गई है कि कोरोना के हवा में होने के कारण बताए गए हैं, लेकिन वो तब बताए गए जब कोई संक्रमित किसी बंद कमरे के अंदर रहता है और वहाँ कोई छींक देता है या इस तरह से कोई उसके खांसी कर देता है तो ही चांसेस हैं, अदरवाइज ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको लेकर चल रहा था इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग फॉलो कर रहे हैं आजकल, ऐसा कोई इतना बड़ा पुलिस भी ज़्यादा सख्ती नहीं कर रही है, प्रयास कर रही है लोग के
पुलिस के लोग भी थोड़ा थोड़ा जो काम है वो करते रहें। आज मैं इस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से केवल आपको ये कहना चाहूँगा कि आप घबराएं नहीं, जो नियम हैं उनका पालन करें, हैंड सैनिटाइजर्स को आप लगातार इस्तेमाल करें, क्योंकि उसकी वजह से आपके जो संक्रमण के खतरा है वो ख़त्म हो जाता है। ये छोटी सी ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपके बीच में लेकर आया था। जैसे मैं आपको ये देखिए यहाँ दिखाता हूँ, ये दुकान है, ये दुकान पे भी आप देख रहे हैं अभी लोग खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में इन्होंने दूरी बना के रखी हुई है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो केवल यही है कि हम अपनी जो खुद की जिम्मेवारी है उसको निभाएं, सरकार को ही केवल दोष ना दें, क्योंकि सरकार इस समय कुछ भी नहीं कर सकती। सरकार के पास ऐसा कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है कि सरकार कोरोना महामारी को ख़त्म कर दे। इसलिए हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ। इसी तरह से बने रहिए आप हमारे साथ में। खबर को अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी जिम्मेवारी खुद समझना शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब पे।